संकल्प उच्चतर माध्यमिक शाला पंचवटी नगर रायपुर छत्तीसगढ़ भीम चैनल से मैं रिक्की अरोड़ा। आज जिस जगह में है यह गंदगी देखकर आप एहसास लगा सकते हैं और ये इसी स्कूल के आजू बाजू के रहवासी हैं। और जस्ट मेरे पीछे में संकल्प विद्या मंदिर के नाम से जिसे जाना जाता है वह भी है। आज ये बाबूजी बताइए कितने समय से ये स्कूल के सामने में कचरा पड़ा हुआ है और कब से? तो बहुत दिन हो गया साहब। अच्छा, कोई सफाई कुछ नहीं होती है और स्कूल का जो रहता है माहौल वगैरह बच्चों का आना जाना सब यहीं से होता है? इसी गली से होता है। इसी रोड में बहुत पानी भी भरा हुआ है। अच्छा। डीआर साहू जी को यहाँ रहते हुए 30 से 40 वर्ष हो गया। क्या नाम है बेटा आपका? मुकेश कुमार साहू। बताइए क्या कब से यहाँ पे गंदगी, कैसा लगता है स्कूल की वजह से यहाँ पे? बेकार तो लगता है, बाकी गंदगी बहुत दिन से पड़ा हुआ है। आप मेरे सामने ये देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे गंदगी है पूरी, जो विगत कई वर्षों से यहाँ पर है, यहाँ के रहवासियों ने बताया है। और जस्ट मेरे पीछे में है संकल्प उच्चतर माध्यमिक शाला पंचवटी नगर मोवा रायपुर, जिसके इस स्कूल के मालिक है श्री सुनील शर्मा जी। आज इस गंदगी को देखकर आप एहसास कर सकते हैं कि सामने में जो स्कूल विगत काफी वर्षों से चला आ रहा है उस स्कूल की अंदर की स्थिति कैसी होगी। और यहाँ पे इसके जो मालिक है श्री सुनील शर्मा जी, अब हम उनसे चलकर पूछते हैं कि इनके बच्चों की और उनकी क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे इस स्कूल में दी गई हैं। क्या कंप्यूटर की शिक्षा है, क्या स्पोर्ट्स ग्राउंड है, और जो भी शिक्षाएं के अंतर्गत में जो सुविधाएं होती हैं क्या वह इस स्कूल के अंदर में है कि नहीं। और ये वहाँ के रहवासी हैं हमारे सम्मानीय व्यक्ति, और आज हम इन्हीं से ये पूछते हैं कि इस स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं और ये गंदगी का कारण क्या है जो कि जस्ट स्कूल के सामने में है। संपूर्ण स्वच्छता को लेकर के सरकार बहुत ज़्यादा मतलब सावधानी बरत रही है, लेकिन हमारे मोहल्ले में मतलब रहवासी प्लस स्कूल के प्लस और भी जितने लोग हैं तो ये लोग मतलब उस चीज़ को अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं और लाख प्रयास करने के बाद भी वो कचरे ला करके यहीं पर दम करते हैं। तो क्या ये स्कूल के जस्ट सामने जो सुनील शर्मा जी, जैसा आपने बताया यहाँ के ऑनर है, मालिक है प्राइवेट संस्था स्कूल के, तो किसी प्रकार का इसका सफाई में या स्कूल के कार्यक्रम में उनका कोई योगदान रहता है? इसमें कोई योगदान नहीं रहता, कभी वो इस चीज़ों में ध्यान भी नहीं देते। आपका नाम? रजनीश शुक्ला है मेरा नाम, मैं यहीं का पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ। स्पोर्ट्स तो नहीं है, छोटा सा गार्डन है, वहाँ भी बच्चों को जाने नहीं देते हैं। कोई कंप्यूटर शिक्षा वगैरह होती है? छोटे बच्चों की होती है, हमारी बड़ों की नहीं होती। तो स्कूल के जो छुट्टी हुई है उनके छोटे बच्चे जो सामने हमारे मौजूद है वो खुद अपनी जबानी बताएंगे। आपके स्कूल का नाम बताइए जोर से। कौन सी जगह में है आप ये बताइए कि यहाँ पे आप लोग जो स्पोर्ट्स ग्राउंड या कंप्यूटर वगैरह और बड़े बच्चों को या आप लोग को सिखाया जाता है? कंप्यूटर सीखने नहीं मिलता और स्पोर्ट्स वगैरह भी नहीं मिलता? नहीं। तो आप लोगों ने देखा ना, यहाँ स्पोर्ट्स का यहाँ पे इस जगह में ग्राउंड है और ना ही कोई कंप्यूटर की शिक्षा है। तो आज एक शिक्षा एक अहम चीज़ है जिसे कोई उपलब्धि नहीं दी जा रही है। क्या स्पोर्ट्स ग्राउंड में इसके अलावा आप जो सामने में देख रहे हैं कोई और ग्राउंड है बेटा? नहीं सर। क्या कंप्यूटर की कोई शिक्षा आप लोगों को दी जाती है? आपके जो सुनील शर्मा जी जो प्रिंसिपल हैं यहाँ पे, जो संस्था के मालिक है खड़े, कोई ऐसी और कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है बेटा? नहीं। दोनों प्रकार की नहीं दी जाती है।